हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेएनबी क्लासेस। आज की वीडियो में बात करेंगे कंप्यूटर शॉर्टकट कीज के बारे में। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। यहाँ पे कंप्यूटर के वो सारे शॉर्टकट लिए गए हैं जो आप डेली लाइफ में यानी अपने डेली रूटीन में कंप्यूटर के साथ काम करते समय यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी होने वाली है। वीडियो देखने के बाद जब आप कंप्यूटर पर वर्क करेंगे तो आप काफ़ी आसानी से काम कर पाएंगे। कुछ शॉर्टकट ऐसे होंगे जो शायद आपको पता हो, लेकिन कुछ शॉर्टकट ऐसे होंगे जो आपने कभी शायद देखे भी ना हो, लेकिन आपको काफ़ी ज़्यादा परेशान करते होंगे ये। यदि आप शॉर्टकट की जान गए तो आप आसानी से इनका काम कर पाएंगे। तो चलिए बिना टाइम गवाए मैं यूज़ करता हूँ इनको और शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें हम जाने कंप्यूटर शॉर्टकट की जो आपके एग्जाम के हिसाब से और डेली रूटीन के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। चलिए सबसे पहला शॉर्टकट है यहाँ पे विंडो की के साथ आर, यानी आप विंडो की के साथ आर अगर दबाते हैं तो सामने आपके आएगा रन डायलॉग बॉक्स। पहले मैं आपको समझा दूँ विंडो की क्या है। तो कीबोर्ड में इस की को हम क्या बोलते हैं, विंडो की बोला जाता है। तो आप जो देख रहे हैं रेड स्क्वायर में जो आपको दिख रहा है बटन, ये विंडो की का है। कैसे यूज़ करना है, विंडो की के साथ यानी विंडो की आप दबा कर रखें और आपको आर दबाना है। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप कहाँ पे आएंगे, अपने डेस्कटॉप पे आप आ जाइए। डेस्कटॉप पे आने के बाद आप विंडो की के साथ आर दबाएंगे तो आपके सामने क्या होगा, रन का डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। देखिए आप आ गए रन का डायलॉग बॉक्स। अब इस रन डायलॉग बॉक्स से आप कुछ भी डायरेक्ट खोल सकते हैं। अब नॉर्मल सी बात है, जब भी आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हो कुछ ना कुछ तो खोलना ही होगा आपको। तो आज मैं आपको एक शॉर्टकट बता रहा हूँ कि आप बिना स्टार्ट पे जाए या बिना किसी और प्रोग्राम में जाए, आप सीधा विंडो के साथ आर दबाइए रन और जो भी खोलना है आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए। जैसे मुझे कैलकुलेटर खोलना है तो मैं यहाँ पे टाइप कर सकता हूँ CALC। जैसे मैं CLC से लिखता हूँ तो मेरे सामने आप देख पा रहे हैं कैलकुलेटर जो है वो ओपन हो चुका है। ऐसे और भी शॉर्टकट्स हैं, मैं इसको बंद करता हूँ। फिर से कैलकुलेटर को मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ पे फिर से विंडो के साथ आर दबाता हूँ। मुझे यहाँ पे पेंट खोलना है तो यहाँ पे लिखना चाहिए मुझे MS Paint। कुछ कीवर्ड्स हैं आपको याद तो करने पड़ेंगे या एग्जाम में ही पूछे जाते हैं। अगर आपको याद हो जाते हैं आप ऐसे यूज़ करेंगे तो आप इंस्टेंटली कुछ भी जल्दी से खोल सकते हैं बिना अंदर जाए और आप अपने आप को एक्सपर्ट की तरह दिखा सकते हैं। इस तरह से अगर MS Word आपको खोलना है तो इसका आप WinWord यूज़ कर सकते हैं। WinWord, तो बस आपको कुछ नहीं करना, WinWord लिखना है एंटर तो MS Word ओपन हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपको Excel खोलना है तो आपको सिंपली टाइप करना है Excel। ऐसा लिखने से आपको Excel ओपन होगा। ऐसे ही आप टाइप करेंगे PowerPoint तो आप PowerPoint खोल चुके होंगे। तो नॉर्मल आप डेली लाइफ में Excel ज़्यादा यूज़ करते हैं तो आप डायरेक्ट Excel लिख सकते हैं रन पे जाकर। अब आप बोलेंगे स्टार्ट पे भी लिख सकते हैं, हाँ स्टार्ट पे भी लिख सकते हैं, लेकिन स्टार्ट पे पहले वो सर्च करेगा फिर ओपन करेगा, जबकि यहाँ पे विंडो के साथ आर दबाओ, सीधा आप टाइप करो एंटर, ये सर्च नहीं करेगा डायरेक्ट ओपन करेगा। तो ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। इसके साथ ही आप इधर www.google.com अगर लिखते हैं तो आपका बाय डिफॉल्ट जो भी ब्राउज़र है उसमें ये सर्विस ऑटोमेटिक ओपन हो जाए, यानी आपको ब्राउज़र खोलने की जरूरत नहीं है। आप बस विंडो के साथ आर दबाएं, अपना URL जो भी है URL आप यहाँ टाइप करें, ओके करें तो आप सीधा इंटरनेट तक पहुँच सकते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा आसान है, काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है, आप इसका यूज़ जरूर करें। मैं अपनी डेली लाइफ में रन का बहुत ज़्यादा यूज़ करता हूँ, इसलिए मैंने इसको सबसे ऊपर रखा है, क्योंकि ये मेरे काम को बहुत ज़्यादा आसान और मुझे एक्सपर्ट की तरह शो करवाता है। तो चलिए देखते हैं अगली शॉर्टकट की, टाइम वेस्ट ना करते हुए। नेक्स्ट शॉर्टकट के यहाँ पे हमारे पास Ctrl+S, सभी लोग जानते हैं Ctrl+S से सेव होता है। मैंने इसको शामिल किया, Ctrl+S से सेव होता है। Shift+F12 से भी सेव होता है। पिछले सिपिस्ट्री एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था सेव किससे होता है, और वहाँ Ctrl+S का ऑप्शन नहीं था विकल्प में, तो वहाँ हमें टिक करना था Shift+F12 से। तो बस आप नॉलेज के लिए इसको याद रखें, Ctrl+S से सेव होता है और Shift+F12 से भी सेव होता है। अगर कोई आपके सामने ऐसा करता है तो आपको नया ना लगे, आपको पता होना चाहिए कि Shift+F12 से भी सेव होता है। इसके अलावा आप जानते होंगे Save As भी होता है, यानी अगर आप सेव कोई फाइल को फिर से सेव करना चाहते हैं तो आप सेव एज कर सकते हैं। सेव एज का शॉर्टकट जो है वो F12 है। ये बहुत कम लोगों को पता है कि सेव एज का शॉर्टकट F12 होता है और ऑफिस पर्पस में इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। एग्जांपल यूज़ कैसे होता है मैं आपको फिर से Amazon में करके बताता हूँ। यहाँ पे मैं Amazon ओपन करता हूँ। सबसे पहले देखिए Amazon ओपन हो चुका है। अब यहाँ पे आपको होता क्या है, आप अगर इंटरनेट पे ऑफिस में काम कर रहे हैं तो आपके पास फाइलें जो आती हैं मेल के थ्रू आती हैं। आपने मेल से फाइल डाउनलोड की, अब जैसे ही आपने डाउनलोड की तो वो आपके कंप्यूटर में ऑलरेडी सेव है। अब आप उसको Amazon में अगर ओपन करते हैं, एक्सेल में ओपन करते हैं, तो आपने ओपन कर लिया, अब उसमें आपने कुछ चेंजेस किए और अगर आप Ctrl+S दबा दें तो यहाँ पर गलती ये होगी कि आपने जो फाइल डाउनलोड की उसी में वो सेव हो जाएगा। इन फ्यूचर अगर आपको उस फाइल को फिर से टाइप कर कुछ और यूज़ करना हो तो आप कर नहीं पाएंगे। क्यों? क्योंकि आपने ओरिजिनल फाइल में ही चेंजेस कर दिए। तब ऐसा बचने के लिए हमें बताया जाता है कि आप स्टार्ट पे जाएं, फाइल पे जाएं, फाइल मेन्यू में और सेव एज का यूज़ करें। सेव एज क्या करता है, आपकी जो फाइल सेव है ओरिजिनली वो सेव रहेगी और सेव एज से नई जगह नए नाम से सेव हो जाएगी। शॉर्ट में अगर बोलूं, सेव की फाइल को फिर से अगर सेव करना है तो आप सेव एज कर सकते हैं। सेव की फाइल को फिर से सेव करना है तो सेव एज कर सकते हैं। सेव का शॉर्टकट Ctrl+S है या Shift+F12 है, लेकिन सेव एज का शॉर्टकट क्या है, तो सेव एज का शॉर्टकट है F12।
आप कंप्यूटर पर F12 प्रेस करिए। देखिए मैंने जैसे ही F12 प्रेस किया मेरे सामने सेव एज का डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो गया। तो आप देख पा रहे हैं सेव एज का डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया। यहाँ पे मैं नए नाम से फाइल को सेव कर सकता हूँ, तो यानी कि F12 से आप सेव एज कर सकते हैं सेव की फाइल को फिर से सेव करना, और ये यूज़ होता है तो आप याद रखें F12 से सेव एज होता है। वापस चलते हैं प्रेजेंटेशन पे। ठीक है, अगला हम बात करते हैं, यहाँ पे सेव की बात हो चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे है लेफ्ट के बाद अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस नंबर लॉक, यानी कि लेफ्ट साइड के आपके जो अल्टर बटन और शिफ्ट बटन है इनको आपको दबाना है, प्लस नंबर लॉक आपको नंबर लॉक से दबाना है। यानी कि कुल मिला के आप पहले अल्टर दबाएं, शिफ्ट दबाएं और एक बार नंबर लॉक दबाएं। जैसे ही आप ये दबाएंगे तो ऑटोमेटिक आपके सामने एक फीचर्स एक छोटी सी विंडो ओपन होगी इस तरह की। अब आप विंडो में बस इसको यस कर दें। इतना करने के बाद अब आप क्या देखेंगे कि आप अपने नंबर न्यूमेरिक कीपैड जो आपके कीबोर्ड पे है राइट साइड पे, वहाँ पे आप इस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं। यानी कि अगर मैं इस पॉइंटर को देखिए मैं इधर लेके जाता हूँ तो ये मूव हो रहा है, मैं अगर इसको नीचे लाता हूँ तो ये मूव हो रहा है। यानी कि आप नंबर कीपैड की मदद से इसको ऑपरेट कर सकते हैं बड़े आराम से। अगर आप नंबर लॉक ऑफ कर देंगे तो ये काम नहीं करेगा, ठीक है, इससे फिर बाकी का आप काम होने लगेंगे इस तरह के। लेकिन नंबर लॉक जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपके सामने ये पॉइंटर जो है मूव करना शुरू कर देगा, यानी आप पॉइंटर को मूव कर सकते हैं इस ऑप्शन की मदद से। अब अगर हमें इसकी स्पीड अगर आपके कंप्यूटर पर स्लो हो या फास्ट हो तो आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। इसके लिए आप फिर से अल्टर शिफ्ट नंबर लॉक दबाइए, आपके सामने विंडो आएगी, फिर आप इस पर जाएंगे, इसमें इसके और भी फीचर्स ओपन हो जाएंगे कंट्रोल पैनल से। फिर इसमें जाने के बाद आपको इसमें इसके स्लाइडर की मदद से इसकी स्पीड को हाई या जैसे भी आप करना चाहें कर सकते हैं। अगर आपका स्लो चल रहा हो तो आप इसे फास्ट कर सकते हैं, फिर आप जब इसको यूज़ करेंगे तो आप काफ़ी ज़्यादा स्पीड से इसको चला पाएंगे। ये किस लिए यूज़ है, अगर इन केस आपका माउस काम नहीं कर रहा, आपको कुछ अर्जेंट वर्क करना है तो आप माउस पर डिपेंड ना रहें, आप माउस को भी ऑपरेट कर सकते हैं कीबोर्ड की मदद से। बस आपको लेफ्ट साइड के अल्टर शिफ्ट और नंबर लॉक दबाना है, ऑप्शन को यस करना है, तो आप इसी की मदद से सारा काम कर पाएंगे। एक बार और मैं आपको बता दूं कि आप 5 से क्लिक कर सकते हैं, यानी कि अगर आपको कुछ खोलना है तो जैसे मुझे यहाँ पे ये फाइल खोलनी है या कुछ भी फाइल खोलना है फोल्डर, तो मैं यहाँ पे पॉइंटर की मदद से नहीं जा रहा हूँ, मैं इसकी मदद से जा रहा हूँ। और अब मैं यहाँ पे 5 को एक बार दबाऊंगा तो आप देख पा रहे हैं एक सिलेक्ट हो जाएगा। सॉरी मैंने अभी वो ऑन नहीं किया, तो फिर से मैं नंबर लॉक को ऑन करता हूँ, इनेबल, यस ये एक्टिवेट हो चुका है। अब मैं पॉइंटर को देखता हूँ मूव हो रहा है कि नहीं, हाँ मूव होने लगा। अब मैं यहाँ पे 5 को एक बार दबाऊंगा तो सिलेक्ट हो गया, और दो बार मैं 5 को दबाऊंगा तो ये ओपन भी हो जाएगा। यानी जैसे आप डबल क्लिक करते हैं इस तरह से आप काम कर पाएंगे इसी पे। उम्मीद है आपको ये वाला भी समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। तो लेफ्ट अल्ट सिर्फ नंबर लॉक से आप माउस पॉइंटर को मूव कर सकते हैं, बिना माउस से भी कीबोर्ड से कंप्यूटर चला सकते हैं। अगले हम बात कर रहे हैं विंडो की के साथ पॉज ब्रेक, विंडो की के साथ पॉज ब्रेक। इससे क्या हुआ, इससे आप सिस्टम प्रॉपर्टीज ओपन कर सकते हैं। जैसे आपके मोबाइल में एक सेक्शन होता है अबाउट, जिसमें आप जान जाते हैं आप मोबाइल के बारे में, जैसे कितनी जीबी रैम है, कौन सा एंड्रॉयड सिस्टम है, उसकी कुछ डिटेल्स जो आप जानना चाहते हैं। इस तरह से आप कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर में कितनी रैम है, कौन सा सॉफ्टवेयर उसमें डाला हुआ है, कितने बिट पे है, ये सारी चीज़ें हमें नया कंप्यूटर जब देखना जाते हैं या हम किसी का सेकंड हैंड कंप्यूटर खरीदने के लिए जाते हैं या अपने खुद के कंप्यूटर की प्रॉपर्टीज अगर हमें चेक करनी हो तो हमें सिस्टम प्रॉपर्टीज में जाना होता है, जो कि कंट्रोल पैनल के अंदर होता है। अब चूंकि आप पहले कंट्रोल पैनल खोलेंगे, फिर सिस्टम प्रॉपर्टीज को ढूंढेंगे, फिर उसको ओपन करेंगे, इससे अच्छा आप एक शॉर्टकट की का यूज़ कर सकते हैं। देखिए शॉर्टकट की को आप कैसे यूज़ करेंगे, विंडो की के साथ कीबोर्ड पे दी हुई पॉज ब्रेक एक की है उसको आप दबा दें। जैसे आप उसको दबाते हैं तो आप देखेंगे आपके सामने सिस्टम प्रॉपर्टीज का डायलॉग बॉक्स या विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं 4GB रैम मेरे कंप्यूटर पे, 64-bit ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडोज 10 है लाइसेंस वर्जन पे। तो इस तरह की चीज़ें आपको यहाँ पता चल जाती है, काफ़ी ज़्यादा आसान है। विंडो के साथ पॉज ब्रेक की आपको बस दबानी है। चलिए जल्दी से नेक्स्ट देखते हैं। अगला नेक्स्ट में हम बात कर रहे हैं कंट्रोल प्लस सी। सबको पता है कंट्रोल प्लस सी से कॉपी होता है, नई बात नहीं है, लेकिन अब मैं आपको बता रहा हूँ कंट्रोल सी से तो कॉपी होता ही है, प्लस कंट्रोल प्लस इंसर्ट से भी आप कॉपी कर सकते हैं। ये भी पूछा गया था एग्जाम में, इसलिए मैं आपको यहाँ शामिल कर रहा हूँ। कंट्रोल प्लस इंसर्ट आप दबाएंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस इंसर्ट से कॉपी, और पेस्ट कंट्रोल वी से होता है, एक मिनट, कंट्रोल वी से पेस्ट होता है और शिफ्ट प्लस इंसर्ट से भी पेस्ट होगा। इसी तरह से कंट्रोल प्लस एक्स से कट होगा और शिफ्ट प्लस डिलीट से आप कट कर सकते हैं। यानी कि आप इन चारों शॉर्टकट को आराम से यूज़ कर पाएंगे। मैं इसका भी आपको एग्जांपल देके बता देता हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना रहे। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे मैं GNV को सिलेक्ट किया मैंने, आप डबल क्लिक करके सिलेक्ट कर सकते हैं डायरेक्ट। अब मैं कंट्रोल सी और कंट्रोल वी को दबा रहा हूँ तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे पेस्ट हो रहा है, ओके। अब मैं एक काम करता हूँ, क्लासेस को सिलेक्ट करता हूँ और मैं यहाँ कंट्रोल सी की बजाय मैं यूज़ करूँगा यहाँ पे, जैसा मैंने आपको पीछे शॉर्टकट में बताया,
कंट्रोल और इंसर्ट। जैसे मैं कंट्रोल प्लस इंसर्ट को यूज़ करता हूँ तो ये मेरी कॉपी हो चुकी है। अब मैं शिफ्ट प्लस इंसर्ट से इसको पेस्ट कर सकता हूँ, तो मैंने दबाया यहाँ पे शिफ्ट प्लस इंसर्ट और ये देखिए पेस्ट हो गया। इसी तरह से कट का यूज़ करूँ मैं तो CPCT को मैंने सेलेक्ट किया और अब जैसे मैंने वहाँ शॉर्टकट में लिखा हुआ है तो आपको कुछ भी नहीं करना है, बस शिफ्ट के साथ डिलीट बटन दबाना है तो ये आपका कट हो गया। और अब मुझे इसको कहाँ रखना है, पेस्ट वही है शॉर्टकट शिफ्ट के साथ इंसर्ट, तो आप उसको पेस्ट कर लेंगे। देखिए ये आ गया, कितना आसान है। इस तरह से आप कॉपी पेस्ट और कट ऑप्शंस की मदद से यूज़ कर पाएंगे। तो चलिए अगला देखते हैं। तो यहाँ पे मैंने दिखाया कंट्रोल एक्स डिलीट पेस्ट और शिफ्ट इंसर्ट से पेस्ट होता है, आप इसे ध्यान रखें। अगला है यहाँ पे कंट्रोल प्लस ओ से ओपन होता है, आपको पता है कंट्रोल प्लस F12 से भी आप फाइलों को ओपन कर सकते हैं, यानी कंट्रोल प्लस S से सेव होगा तो कंट्रोल प्लस F12 से आप उसको ओपन कर सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल ओ से भी ओपन कर सकते हैं। अगला देखते हैं हम इसमें विंडो की के साथ D, काफ़ी ज़्यादा यूजफुल और काफ़ी ज़्यादा आपको मदद करने वाला ऑप्शन है ये। विंडो की जैसे मैंने आपको बताया स्टार्ट बटन जो है वो विंडो की है, आप उसके साथ डी को अगर दबाते हैं तो आप सीधा डेस्कटॉप पे पहुंच जाते हैं। अगर आप कंप्यूटर पे कुछ काम कर रहे हैं और सीधा आपको डेस्कटॉप पे जाना हो तो बस आप विंडो की के साथ डी दबाएंगे तो आप सीधा का सीधा अपने डेस्कटॉप पे पहुंच जाएंगे। जैसे मैंने विंडो की के साथ डी दबाया, देखिए मैं डेस्कटॉप पे आ गया। तो इस तरह से आप बड़ी आसानी से विंडो की के साथ डी की मदद से डेस्कटॉप पे जा सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है विंडो की के साथ ई, ये भी बहुत ज़्यादा यूजफुल है। आप माई कंप्यूटर खोलना चाहते हैं, आपने कंप्यूटर में पेन ड्राइव लगाई या आप कंप्यूटर में ड्राइव्स को खोलना चाहते हैं तो माय कंप्यूटर खोलना या फाइल एक्सप्लोर को खोलने के लिए शॉर्टकट की बनाई गई है विंडो की के साथ ई। अगर आप विंडो के साथ ई को दबाते हैं तो आप डायरेक्ट फाइल एक्सप्लोर जो है उसको खोल सकते हैं। देखिए मैंने खोल दिया यहाँ पे सिंपली, अब मैं यहाँ आराम से फाइल्स को एक्सेस कर सकता हूँ, एक्सप्लोर की मदद से ड्राइव को एक्सेस कर सकता हूँ। विंडो की के साथ ई माय कंप्यूटर खोलने का शॉर्टकट की आप इसे बोल सकते हैं। अगला देखते हैं हम यहाँ पे अल्ट प्लस टैब, विंड की प्लस टैब और कंट्रोल टैब, तीनों में से ऊपर के दो ऑप्शंस का काम सेम ही है। आप विंडो में स्विच कर सकते हैं, अगर आप एक तरफ एमएस वर्ड पे काम कर रहे हैं और एक तरफ आप एमएस एक्सेल पे काम कर रहे हैं तो आप एक्सेल से वर्ड पे जाना चाहते हैं तो आप अल्टर टैब का यूज़ कर सकते हैं या आप विंडो के साथ टैब का यूज़ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अल्टर दबाया और अब मैं टैब दबा रहा हूँ। अल्टर को आप दबा के रखना है और टैब आपको दबाना है। अब टैब अल्टर दबा हुआ है, मैं टैब को एक एक बार करके दबा रहा हूँ। तो अब मेरे देखिए इतने सारे प्रोग्राम्स खुले हुए हैं तो मैं किसी भी प्रोग्राम में कभी भी स्विच कर सकता हूँ। तो मैं काम करता हूँ फाइल एक्सप्लोर खोल देता हूँ, ये मेरा खुला हुआ, तो देखिए फाइल एक्सप्लोर मेरा ओपन हो चुका है। फिर से मैं अल्टर टैब दबाऊंगा तो वापस हमारी प्रेजेंटेशन पे आ गया। विंडो की के साथ टैब दबाएंगे तो इससे भी सेम वही होगा। देखिए अल्टर टैब और विंडो की का काम तो सेम है कि आप प्रोग्राम में स्विच कर सकते हैं, लेकिन कंट्रोल टैब से आप प्रोग्राम्स में नहीं फाइल में स्विच कर सकते हैं। फाइल का मतलब जैसे मान लीजिए आप इंटरनेट पर काम कर रहे हैं, मैं आपको एग्जांपल देकर बताता हूँ। इंटरनेट पे आप काम कर रहे हैं, आपके सामने मल्टीपल टैब्स खुली हुई हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं मेरे पास मल्टीपल टैब्स खुली हुई हैं। अब मुझे सेकंड टैब पे जाना है, अगर मैं अल्टर टैब दबाऊंगा तो मैं दूसरे प्रोग्राम पे चला जाऊंगा, लेकिन मुझे इसी में दूसरी टैब पे जाना है तो आप कंट्रोल टैब का यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैंने क्लिक के देखिए आप मैं यूट्यूब पे आ गया और फिर से मैं कंट्रोल टैब दबाता हूँ तो मैं इस वाली पे आ गया, फिर मैं इस पे आ गया, फिर ई ज्ञानम पे आ गया। इस तरह से मैं अलग अलग टैब पे मूव कर पा रहा हूँ, वापस मैं अपने वेब पेज पे आ गया। तो आप कंट्रोल टैब से आप टैब्स में मूव कर सकते हैं, स्विच टैब या फिर फाइल्स में मूव कर सकते हैं अगर आप प्रोग्राम में काम कर रहे हैं तब। अगला है आपका प्रिंट स्क्रीन, ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा ऑप्शन है, प्रिंट स्क्रीन या स्क्रीन शॉट। ये क्या करता है, आपके कंप्यूटर पे स्क्रीन शॉट ले लेता है, जैसे आप मोबाइल में स्क्रीन शॉट लेते हैं बिल्कुल वैसे ही। आपको कुछ भी नहीं करना है, कीबोर्ड पे बटन दिया हुआ है प्रिंट स्क्रीन सबसे ऊपर की तरफ, आप बस उसको दबा दीजिए एक बार तो जो आपकी स्क्रीन है कैप्चर हो जाएगी। मैंने बोला केवल कैप्चर होगी, सेव नहीं होगी। अगर आप इसको स्क्रीनशॉट लेते हैं तो आपको उसको पेंट में जाकर या किसी भी एप्लीकेशन में जाके पेस्ट करना होगा तब वो काम करेगी। अब ये भी मैं आपको करके दिखा देता हूँ। मैं डेस्कटॉप पे आया, मुझे इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो मैंने प्रिंट स्क्रीन दबा दिया। अब मुझे यहाँ पे एमएस पेंट ओपन करना चाहिए। पेंट ओपन करने के बाद मैंने कंट्रोल भी दबाया, पेस्ट किया, देखिए स्क्रीनशॉट जो मैंने लिया था वो मेरे सामने आ चुका है। अब मैं इसको चाहूँ तो सेव कर सकता हूँ या जहाँ भी मुझे यूज़ करना है मैं कर पाऊँ। अब अगर हम चाहते हैं कि मुझे ऐसे पेस्ट ना करना पड़े तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, विंडो की के साथ आपको फिर से वही बटन दबाना है। इससे क्या होगा, आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा और ये स्क्रीनशॉट लाइब्रेरीज में जाके ऑटोमेटिक सेव भी हो जाएगा, यानी कि फाइल एक्सप्लोर में आप देखेंगे स्क्रीनशॉट नाम से फोल्डर क्रिएट होगा और आपका स्क्रीनशॉट यहाँ ऑटोमेटिक सेव हो जाएगा। देखिए ये स्क्रीनशॉट सेव हो चुका है। तो उम्मीद है आपको स्क्रीनशॉट लेना आ गया होगा, ये आपको याद रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद, नेक्स्ट जो है F2 से आप किसी भी विंडो का नाम बदल सकते हैं, किसी भी आप फोल्डर का या किसी भी आइकन या किसी भी फाइल का नाम बदल सकते हैं। यानी आप यहाँ पे अगर आप हैं मान लीजिए और आपको डेस्कटॉप पे चलते हैं, काम करते हैं हम लोग, डेस्कटॉप पे आने के बाद आपको जैसे मान लीजिए इसका नाम बदलना है तो
तो सिंपली बस आपको कुछ नहीं करना है, F2 दबाइए, F2 दबाया और आप इसको कुछ भी नाम दे सकते हैं, जो भी आप देना चाहें। तो कुल मिला के हमें इतना समझ में आया कि आप F2 से नाम बदल सकते हैं। हिंदी था मेरा, मैं इंग्लिश कर देता हूँ फिर से। F2 इसका कुछ भी नाम देना हो तो आप दे सकते हैं। इस तरह से हम अपनी फाइल्स का नाम बदल सकते हैं F2 से। रीनेम का शॉर्टकट है F2। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट है मेरे सामने। अब यहाँ पे कुछ ज़्यादा शॉर्टकट्स हैं, उनको एक साथ कर रहे हैं कवर, छोटे छोटे शॉर्टकट है इसलिए। तो उम्मीद है आपको पिछले वाले शॉर्टकट तो अच्छे से आ गए होंगे। पहला है Ctrl+B, इससे क्या कर सकते हैं, हम सिलेक्टेड टेक्स्ट को मोटा कर सकते हैं। मैं सबको एक साथ करके बताऊंगा, पहले आप समझ लीजिए। Ctrl+B से बोल्ड होता है, Ctrl+I से आप तिरछा कर सकते हैं टेक्स्ट को, Ctrl+U से अंडरलाइन कर सकते हैं, Ctrl+L से आप अलाइन लेफ्ट कर सकते हैं, मतलब टेक्स्ट को पेज के लेफ्ट साइड में मूव करा सकते हैं, Ctrl+R से पेज में टेक्स्ट को राइट साइड में मूव करा सकते हैं, और Ctrl+E से आप टेक्स्ट को पैराग्राफ यानी टेक्स्ट या पैराग्राफ को सेंटर में ला सकते हैं, Ctrl+J से आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं यानी दोनों तरफ से आप बराबर कर सकते हैं, जैसे न्यूज़पेपर में होता है। इस तरह से Ctrl+Shift+Less than या ग्रेटर देन की मदद से आप फॉन्ट साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, यानी फॉन्ट साइज को बड़ा और घटा सकते हैं। Ctrl+A से आप पूरे मैटर को सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, Ctrl+Z से आप अंडू कर सकते हैं, Ctrl+Y से आप रीडू कर सकते हैं, और Ctrl+F2 से आप प्रिंट प्रीव्यू चेक कर सकते हैं, और Ctrl+W से आप क्लोज कर सकते हैं फाइल्स को, और Alt+F4 से आप बंद कर सकते हैं पूरी विंडो को। अब मैं आपको एक एक करके इनको सबको जल्दी से करके बता देता हूँ। सबसे पहले आप MS Word या कोई भी प्रोग्राम ओपन कर लीजिए, यहाँ शॉर्टकट आप चला सकें। MS Word में ज़्यादातर यूज़ होते हैं ये शॉर्टकट, लेकिन आप और भी एप्लीकेशन पर भी इनको चला सकते हैं। एक तो शॉर्टकट काम नहीं करेंगे, बाकी सारी एप्लीकेशन पर काम करेंगे, चाहे आप PowerPoint यूज़ करें चाहे Excel। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शॉर्टकट जो लिखा हुआ था, एक बार मैं देख लेता हूँ, Ctrl+B लिखा हुआ है यहाँ पे। तो आप Ctrl+B से बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर सकते हैं। चलिए मैं करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने वेलकम को सिलेक्ट किया, Ctrl+B दबाया बोल्ड हुआ, Ctrl+I दबाया तिरछा हुआ, Ctrl+U दबाया अंडरलाइन हो गई, फिर से B दबाया पतला हुआ, I दबाया सीधा हुआ, U से अंडरलाइन चली गई, Ctrl+Shift+Less than दबाया मैंने तो इससे क्या हुआ, लेस देन से साइज छोटा होगा, और ग्रेटर देन मैंने दबाया इससे साइज बड़ा होगा। Ctrl+Shift और लेस देन ग्रेटर देन, राइट साइड लेफ्ट साइड कोई सा भी आप दबा सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोल, मैं थोड़ा नीचे आता हूँ, इसको कंप्यूटर हार्डवेयर को मैंने सेलेक्ट किया या कर्सर को रखा, आप Ctrl+R मैंने दबाया तो राइट में लेफ्ट राइट अलाइन हो गया, L दबाया लेफ्ट अलाइन हुआ, E दबाया सेंटर में आ गया, यानी पैराग्राफ को मैं लेफ्ट राइट सेंटर कर सकता हूँ। जो ऑप्शन हम यहाँ से करते हैं शॉर्टकट में, हम इनका यूज़ कर सकते हैं। और देख लेते हैं इसके अलावा, इसमें शॉर्टकट और थे, हाँ, अंडू रीडू सिंपल ही है, जस्टिफाई और बचा हुआ है वो और दबाता हूँ मैं आपको। देखिए यहाँ पे अगर आप आए, अब आपको इसको जस्टिफाई करना है तो आप सिलेक्ट करके Ctrl+J दबा दीजिए, बस सिंपली जस्टिफाई हो गया। अब जस्टिफाई क्या होता है, इसके लिए मैं थोड़ा मैटर लिखना पड़ेगा, अभी मैं कुछ भी मैटर यहाँ पे टाइप कर देता हूँ। जस्टिफाई के लिए मैं थोड़ा सा स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मेरे सामने कुछ मैटर मैंने लिख दिया है यहाँ पे। अब आप देख पा रहे हैं यहाँ से बिल्कुल बराबर है, लेकिन यहाँ से बराबर नहीं है। अब मैंने सेलेक्ट करके R किया राइट, तो देखिए राइट में बिल्कुल बराबर है, लेकिन अब यहाँ लेफ्ट में बराबर नहीं है। मैंने किया सेंटर, तो आप देख पा रहे हैं ना राइट में बराबर है ना लेफ्ट में। अब मैं इसको करता हूँ जस्टिफाई Ctrl+J से, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ से भी बराबर हो गया और यहाँ से भी। अगर आप दोनों तरफ से टेक्स्ट को बराबर चाहते हैं लेफ्ट और राइट से, तो आप जस्टिफाई कर सकते हैं। जस्टिफाई क्या करता है, बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ा देता है और मैटर को बिल्कुल बराबर कर देता है। अखबारों में इस तरह से लिखा जाता है जस्टिफाई से, ठीक है। इसके अलावा अगला शॉर्टकट देखते हैं। अगला शॉर्टकट है यहाँ पे प्रिंट प्रीव्यू। देखिए प्रिंट प्रीव्यू से क्या होता है, आप इसको प्रिंट करते समय, प्रिंट करने से पहले चेक करना चाहते हैं कैसा दिख रहा है, तो उसके लिए हमें यहाँ जाना पड़ता है प्रिंट प्रीव्यू पे। लेकिन शॉर्टकट आप Ctrl+F2 यूज़ कर सकते हैं किसी भी विंडो पे, बस आप सिंपली Ctrl+F2 दबाइए, तो आप देख पा रहे हैं इसका प्रिंट प्रीव्यू मेरे सामने ओपन हो गया। अब आप Ctrl+P से इसको डायरेक्ट प्रिंट कर सकते हैं। इस तरह से कुछ गलती होने पे, जैसे गलती से मेरे से ये सारा मैटर डिलीट हो गया, तो आप Ctrl+Z दबा के इसको वापस ला सकते हैं, और Ctrl+A से आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं, Ctrl+Y से आप रीडू कर सकते हैं। मतलब अगर आप गलती से, जैसे गलती से मेरे से ये सब लिखा हो गया और ये सब जो है वो हट गया, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे Ctrl+Z दबाऊंगा, वापस से मेरा जो टेक्स्ट हटा है वो वापस आ जाएगा, और Ctrl+Y से वापस से वो जो आया है वो चला जाएगा। यानी स्टेप में पीछे जाने को अंडू बोलते हैं और स्टेप में आगे आने को रीडू। अंडू Ctrl+Z से होता है और रीडू Ctrl+Y से। अगला शॉर्टकट देखते हैं, लगभग सारे हो चुके हैं। हाँ, लास्ट है, लास्ट दो और बचे हुए हैं। जैसे ये फाइल मेरे पास है, अब मैं चाहता हूँ इस फाइल को सेव करना, तो मैंने बताया Ctrl+S से मैं इस फाइल को सेव कर सकता हूँ। मैंने एक नाम दिया, ये फाइल सेव हो गई। अब मैं एक काम करता हूँ, इस फाइल को बंद कर देता हूँ। MS Word में नहीं करना, फाइल को बंद करना है, तब आप दबाएंगे Ctrl+W, तो आपकी फाइल जो है क्लोज हो चुकी है, MS Word वो क्लोज नहीं हुआ है। और आप MS Word क्लोज करना चाहते हैं, तब आप दबाएंगे Alt+F4। आप इसे किसी भी ओपन प्रोग्राम को क्लोज कर सकते हैं। देखिए MS Word ओपन हो चुका है। तो उम्मीद है आपको ये सारे शॉर्टकट समझ में आए होंगे। आशा करता हूँ ये शॉर्टकट आपको पसंद आए होंगे। अगर दिक्कत लगे आप कमेंट्स का जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।